और बड़ी खबर का तू बालोर से मिल रही है, जहां 23 साल का युवा कोरोना पॉजिटिव निकला है। युवा को रायपुर एम्स ले जाया गया। युवा डोडी ब्लॉक के एक गांव का रहने वाला है। मुंबई से ये युवक लौटा था। युवक स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था, साथ ही क्वारंटीन 3 अन्य लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी को बालोद कोविड-19 अस्पताल में लाया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में काफी हद तक कोरोना को लेकर कंट्रोल देखा जा रहा है। बालोद जिसके जो इक्का दुक्का मरीज है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ गया है। शिवम, छत्तीसगढ़ के लिए राहत तो है, पर जो इक्का दुक्का मरीज है वो नहीं थम रहे हैं। लगातार जो मामले हैं एक के बाद एक सामने आते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 19 मार्च से छत्तीसगढ़ में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, उसके बाद लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ पर लंबे समय तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन अब बात करें देश भर की, तो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या काफी नियंत्रण में है। लगातार ये माना जा रहा है कि इक्का दुक्का मरीज कई जिलों से सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये भी देख सकते हैं कि जो एम्स प्रबंधन है, एम्स की टीम है, जो लगातार डॉक्टरों की टीम वहां पर काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है यहाँ पर, राज्य सरकार है, उनके प्रयासों के द्वारा लगातार यहाँ पर मरीज भी स्वस्थ होकर के उसी तेजी से स्वस्थ होकर के अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी उपलब्धि है, एम्स प्रबंधन के लिए भी उपलब्धि है कि इक्का दुक्का मरीज बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन उसी रफ्तार के साथ जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उन्हें स्वस्थ कर जल्द से जल्द घर भेजा जा रहा है, उन्हें क्वारंटीन में रखा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी मानी जा सकती है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। चलिए इसके ओम तमाम जानकारी अच्छा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और रीवा जिले से एक